बहुत ज़्यादा ऊंचाई है वैसे, अच्छा लगेगा। रोपवे स्टेशन के लिए रास्ता, यहाँ से ये एंट्री है, ये यहाँ से एंट्री है, अभी यहाँ से जाने लग रहे हैं। आप देखो, देख सकते हो मशीन लगी हुई है इंक्वायरी की, मतलब बैग चेक करने की। यहाँ पे बैग चेक हुआ, ये एंट्री हो गई है हमारी। यहाँ तक लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम भैरव बाबा की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसमें हम ट्रॉली में बैठे हुए हैं। ये आप देखो, यहाँ से वो सामने ही है भैरव बाबा का मंदिर। ये देखो, आप देख सकते हो कैसे यहाँ से इतने सारे इसमें भरे हुए हैं और सारे इसके अंदर ही। ये देखो, और ये पहुँचने वाला है। ये देखो, थोड़ा सा ऊँचाई यहाँ से आ गया, डर लग रहा है। ये देखो, मजा आने लग रहा है, सारे जो बोलने लग रहे हैं। चलो पहुंच गए। ये पहुंच गए हैं, बस 1 मिनट का टाइम है, बस 2 मिनट में जाओ, 2 मिनट में आओ, 2 मिनट भी ज़्यादा, 1 मिनट भी नहीं हुई, 1 मिनट में पहुँचा देंगे ऊपर। ये देखो, यहाँ से सारे आ गए। हम जैसे पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगी है, 1 या 1.5 मिनट में हम वापस पहुंच गए। ये देखो, इस 35-40 बार यात्री आए हुए हैं। आप देखो, ये आपको फ्रंट कैमरे से दिखाएंगे हम। ये देखो, ज़्यादा आ गए हैं। ये देखो, ये इधर से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर पैदल आते हैं तो यहाँ पे कम से कम 2 घंटे की ऊंचाई है ये, इसलिए अब यहाँ पे रुक गई है, स्लोली स्लोली जाएगी। अब देखते हैं, आप देखो, बाबा के दर्शन करने के लिए हमने ट्रॉली में आए हैं। तो हमने यहाँ पे चढ़ने के लिए, मतलब पहुँचने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। यहाँ से थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, भेंट के लिए चढ़ा के आ जाएंगे, फिर देखते हैं। सारा 120 से शुरू है। हेलो हेलो, 50 वाला, हाँ जी भाई बोलो, क्या 50 रुपए की है क्या? देना दे, 120। बाबा का प्रसाद
बाबा के दर्शन के लिए हमने प्रसाद ले लिया यहाँ से, एंट्री गेट है यहाँ से, और ऊपर जाने लग रहे हैं, यहाँ से अंदर जाने लग रहे हैं। बोल रहे फोटो खींचना सकते हो ना है, अभी देख लेते हैं। हमने दर्शन कर लिया भैरव बाबा के, यहाँ से जल्दी ही नंबर आ गया था हमारा सतना, नंबर आते ही अब हम अपने वापस जूते लेने जा रहे हैं, जूते लेके फिर देखेंगे पहन के वापस निकलते हैं अब दोबारा से, फिर बिल्कुल ही चले जाएंगे हम बाहर निकल जाएंगे फिर। ये आप देख सकते हैं कि वैष्णो देवी में जो हेलीकॉप्टरों का हेलीपैड है ये वहाँ पे है, ये मैं भैरव बाबा के ऊपर से बनाने लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरते हैं, उतरते तो दूसरी जगह उतरते हैं, वो देखेंगे अगर हो गया तो आपको उतरते और उड़ते हुए ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कहाँ पे है इसलिए। बाकी ये हेलीपैड है, मैं भैरव बाबा के ऊपर से दर्शन करने गया हूँ तो वहाँ से साफ दिख रहा है, तो वहीं से बना रहा हूँ ये वीडियो। इनकी टिकट भी एक साइड जाने की 1800 रुपये की है, आने की भी 1800, जाने की भी 1800, एक साइड की दोनों की 3600 रुपये की है हेलीपैड की, तो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए बोर्डों की 650-700 रुपये है। आप देखते रहिए और भी बनाते हैं, दिखाते हैं हम आपको वीडियो सारी, शुरू से लेकर आखिरी तक सारी वीडियो आपको दिखाएंगे हम यात्रा की भी और भी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरने लग रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं आ करते हैं, यहाँ पे अभी आए हैं, ये देखे पहले उतारेंगे फिर चढ़ाएंगे फिर वापस जाएगा, ये यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखो, ये देखो, लेकिन ये थोड़ा छोटा ही लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये देखो बिल्कुल जूम करके दिखाया है उन्हें आपको, पास से ही दिखता है, इतना वैसे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, देखो अब वापिस सवारी को इन्होंने उतार दिया है, अब वापिस इसको मतलब लेके जाएंगे, सवारी का रखने लग रहे हैं, सवारी सामान रखने लग रही है, वो आ गए हैं, देखो अब ये उठ जाएगा, अब ये जाने वाला है, सामान रखने लग रहे हैं, वैसे पीछे सामान रख के बंद कर दिया, और वो चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे फिर चला जाएगा, फिर हम भी निकल जाएंगे, ये देखो उड़ते वक्त ये घुमा लिया है, ये चल गए, ये चला गया है वापस, आता और कहीं गए, जाता और कहीं गए, एक और हेलीकॉप्टर आ गया है, तो देख गया है, एक वापस आ गया है, मतलब एक जाता है एक आता है, तो 5-5 मिनट की सर्विस है इसकी,
आप देख सकते हो यहाँ पर यह नीचे उतरने लग रहा है, एक और चला गया है, यहाँ पे 5-5 मिनट ऐसे वैसे जल्दी जल्दी से आते हैं चले जाते हैं। हवा बहुत तेज लग रही है, उनके कपड़े वगैरह उड़ने लग रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज होती है इसकी। देखो मैं यार बाबा के ऊपर से दर्शन करके आ रहा था तो वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर अपलोड करूँगा ये, ठीक है। आज ये चला जाएगा, इन्होंने कई हेलीपैड बना रखे हैं जो कि यहाँ से कई हेलीपैड है उनके, तो उतरते दो ही जगह, एक या दो ही जगह बस। अब ये वापस से जाएगा, एक तो पहले ही चला गया है सवारियों को लेके, अगर अभी जाएगा तो आप यहाँ पर कभी आओगे स्वर्ण देवी के दर्शन करने के लिए। अपने पैसों के हिसाब से ज़्यादा करना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं ठीक है तो आप 1800 रुपये में एक साइड के लिए ये जा सकते हैं, 3600 रुपये में दोनों साइड की यात्रा कर सकते हो, ठीक है। ये वापस जाने लग गया है, ये घूम गया है, ये देखो ये पथरा गया, देख वापस उसमें जाने लग रहा हो, और दिखेगा तो नहीं कल बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। चलो ओके, आपको बिल्कुल पास से हेलीकॉप्टर दिखाएंगे, ये देखो जाने लग रहा है, बिल्कुल पास में है हमारे भी, क्योंकि पास पे जाते हैं यहाँ पे, आप फिर वहाँ पर लैंड करते हैं, अभी जाता रहेगा ये, वहाँ पे जाकर लैंड हो जाएगा, फिर वहाँ पे चला गया, देखो धीरे धीरे हो रहा है, उतरने वाला है, उतर ही गया, वो देखो और वहीं पे ही है, ये वापस जाने लग गया है, उठ के ये वापस जा रहा है नीचे की साइड से जा रहा है, लेकिन अब वो नहीं दिखा। हम यात्रा करके ऊपर से नीचे आ गए हैं, ये यात्रा करने के लिए जाने लग रहे हैं सब, ये घोड़े की यात्रा कर रहे हैं, घोड़े से थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं 2.5 घंटे में भवन तक, और हम पैदल जाके यात्रा करके आ गए हैं, जाने में भी बहुत टाइम लगता है, आने में थोड़ा जल्दी उतर जाते हैं, अभी तक हम अर्धकुंवारी तक नहीं पहुंचे हैं, अर्धकुंवारी तक जाने लग रहे हैं हम, अर्धकुंवारी तक जाने के बाद फिर हम पुराने रास्ते से ही जाएंगे, आज आए नए से थे जाएंगे पुराने से, ऊपर से जाते हैं। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं तो या घोड़े वगैरह जरूर करने से, या हेलीकॉप्टर में या कैसे भी करके उसमें लेके जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे थक जाते हैं, बच्चों पे तो चला ही नहीं जाता वैसे, इसलिए आप चाहोगे आओ तो आ सकते हो, यात्रा करके जरूर जाएं, देखें जब शरीर थकावट होती है ना फिर पहुंच जाते हैं तो फिर मज़ा आता है, वहाँ पे ठंडे पानी में ठंडे पानी होता है नहाने से, फिर स्नान करना, स्नान करके नए कपड़े वस्त्र पहन के फिर दर्शन करने होते हैं माता के, संपर्क करें किसी भी जगह या दूसरों को हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, वैसे 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, 2-3 बजे तक मजा आ जाएगा, पहुँचिए तो आप देखते रहिए, यात्रा सफल हो गई है हमारी, अभी नहीं हुई मतलब आने लग रहे हैं, सफल हो जाएगी, पूरी करके आ गए हम, सारे दर्शन करके आ गए, आप देख सकते हो यात्री घोड़ों पे चल रहे हैं, उनका घोड़ों का मजा लेना चाहिए, ये
तो गाइस कैसे हो सब आप। हम यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे, तो यहाँ पे ये चेयरें लगी हुई हैं जो कि मतलब मसाज करने वाली है। ये 30 रुपए में 15 मिनट के लिए हैं। ये नशे जैसे हाथ वगैरह की खस जाती है या गर्दना के पैरों की हो जाती है ना, तो ये रिलैक्स कर देती है पैरों को भी गर्दनों को भी। अब देखो वैसे हाथ वगैरह की तो नहीं रही। ये प्रताप भाई बैठे हुए है। जय माता दी। ओन भाई का क्या है? लोधी सर नाम। ये लोधी सर बैठे हुए हैं। ये तीनों भाई फौज में हैं। फौज में ना भैया? तीनों भाई फौज में हैं और आप मेरे को तो जानते ही हो। ठीक है, देखो बहुत मजा आ रहा है वैसे। देखो फुल बॉडी मसाज हो रही है क्योंकि थक जाते हैं तो करवानी चाहिए वैसे, है ना। देखो अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पे बाजार है, आते वक्त करवानी है बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, देखो यहाँ पे मसाज करवाने लग रहे हैं। आप भी देख सकते हैं ये मशीनें हैं अपने आप करके। आप प्रताप सर जी बिल्कुल माता रानी दर्शन हो गए भाई। ये सब क्यों हो गए हैं? अभी आए हैं, सुबह गए थे, मैं कल गया हुआ था लेकिन हो गए हैं। अभी नीचे उतरने वाले में आधा घंटा एक घंटा और लगेगा, फिर हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिले।